रेजर पुलिस लाइन गोरखपुर में स्थित गणना कार्यालय पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों का थर्मल स्कैनिंग कराया जा रहा है। आपको बता दें, गणना कार्यालय पर पहुंचते ही महिला कांस्टेबलों द्वारा आने वाले पुलिसकर्मियों का थर्मल स्कैनिंग के बाद उनका डिटेल भी नोट किया जा रहा है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि जो भी पुलिसकर्मी गणना कार्यालय पर आ रहे हैं, ड्यूटी के पहले और ड्यूटी के बाद भी उन सभी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि यह स्वस्थ है कि नहीं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम आ रहा है तो हमारे यहाँ एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है, उसके अंदर भर्ती किया जा रहा है। अभी भी 3 लोग भर्ती हैं। हमारी कोशिश है कि पुलिस लाइन परिसर में इस तरह की कोई बीमारी ना फैलने पाए। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि RI उमेश दुबे द्वारा सभी महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क और ज़रूरत के किट वितरित किए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, 1 मीटर दूरी होनी चाहिए। 36 एक और पीछे हटो जब तक दूर तक हम लोग को एक गाड़ी में एक लोग को भेजिए। जो भी व्यक्ति गणना कार्यालय पर आ रहे हैं ड्यूटी से पहले, ड्यूटी के बाद में, इनका सबका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लोग स्वस्थ हैं। अगर किसी के अंदर कोई भी सिम्टम आ रहा है तो हमारे यहाँ कोरोना एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया, उनको वहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। 2-3 लोग उसके अंदर है भी ऑलरेडी। तो परमानेंट डेली का रूटीन है कि डेली ऐसे लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है हमारे लाइन में ना फैल सके। सर, सभी को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं। जो भी कमी है हमारे पास पर्याप्त है, और भी दिए जा रहे हैं। और ये भी सब दिया जाएगा कि अपनी सुरक्षा कीजिए, उनको जितने सुरक्षा संबंधी जो भी टिप्स हैं वो लगातार RI महोदय के नेतृत्व में दिए जा रहे हैं।